पिछले दिनों रहीम यार खान में एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने खुदकुशी की, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था कि ये पुलिस में है के बावजूद इन्होंने खुदकुशी क्यों की। मैं उसको बुजदिल नहीं कहूंगा मेरी रोज को, लेकिन हालात ने उसको इस तरह मजबूर कर दिया कि वो खुदकुशी करे। दोनों बच्चियों को आके आखिरी दिनों में छोड़ गई इधर अपने हस्बैंड के पास, और वो दिलावर जो उसका हस्बैंड है सब इंस्पेक्टर, फिर उनको वहां छोड़ के आया। क्लर्क माफिया, पुलिस के अफसरान भी ब्लैकमेल होते हैं। आप देखें ना कि 3-4-5 खुदकशियां हो गई हैं विद इन ये एक महीने के अंदर अंदर हो गई हैं, और तमाम के तमाम पुलिस में थे, सारे पुलिस वाले थे भी। वो जो अल्फाज हैं वो फिर उस दिलावर के लिए हैं। क्या हम किसी एक लफ्ज में मैरी की खुदकुशी की वजह को बयान कर सकते हैं कि ये वजह बनी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत से लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं और ख़ुदकुशी को अपना लेते हैं, लेकिन पिछले दिनों रहीम यार खान में एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने खुदकुशी की, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था कि ये पुलिस में है के बावजूद इन्होंने खुदकुशी क्यों की। इस तमाम मामले की क्या वजूहात थी, ये सारा कुछ जानने के हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अज़ीज़ुल्लाह खान साहब से, जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर हैं और अब ला की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह बनी उस मैरी रोज़ की खुदकुशी की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, तो उन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली? रेहान साहब, खुदकुशी की कोई वजह नहीं होती और बहुत सी वजूहात होती हैं। खुदकशी बंदा उस वक्त करता है जब उसके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं लाइफ में, और वो समझता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। और ये भी कहा जाता है कि बुजदिल लोग जो हैं वो खुदकशी हमेशा करते हैं। मैं उसको बुजदिल नहीं कहूँगा मेरी रोज़ को, लेकिन हालात ने उसको इस तरह मजबूर कर दिया कि वो खुदकशी करे। अब उसमें दो किस्म के चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जी उसकी ज़ाती ज़िंदगी, कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या थी। ज़ाती ज़िंदगी उसकी ये थी कि 2014 में वो उसने ज्वाइन किया पुलिस को, और उसके बाद उसकी शादी अपने ही एक बैचमेट से हुई, उसने भी 14 में, ये दोनों बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस में आए थी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, इकट्ठे रहीम यार खान में रहते रहे। इसी दौरान उसका ट्रांसफ़र हो जाता है स्पेशल ब्रांच में लाहौर। अब लाहौर और रहीम यार खान का आप देख लें अच्छा खासा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा 650-650 किलोमीटर बनता है मेरे ख्याल में जी। प्रॉब्लम थी, छुट्टी नहीं मिल रही, दो बच्चियां हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब एक छोटी बच्ची 3 साल की है, बड़ी 4 साल की है, वो घर में है, रो रही हैं, बीमार हैं। बल्कि ये भी है कि जी वो दोनों बच्चियों को आके आखिरी दिनों में छोड़ गई इधर अपने हस्बैंड के पास, और वो दिलावर जो उसका हस्बैंड है सब इंस्पेक्टर, फिर उनको वहाँ छोड़ के आया। अब परेशानी, फिर उन दोनों ने एक वेडलॉक पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। वेडलॉक पॉलिसी ये है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, या वैसे भी होती है कि जी अगर मियाँ बीवी दोनों सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं जी, तो उनको इकट्ठा रहने का हक है। ठीक, लेकिन उन्होंने 8-9 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी। अब होता यह है कि जी क्लर्क माफिया है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हुई, और वो जिसने ट्रांसफ़र करना है डेफिनेटली आईजी ऑफिस से उनका ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें जो डिले हुई वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। सर यहाँ मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, आपने कहा क्लर्क माफिया, कि पुलिस के अफसरान भी ब्लैकमेल होते हैं, उन्हें तंग किया जाता है? देखें, पुलिस में मैं हमेशा बात करता हूँ नूरी और नारी की। नारी जो हैं वो आप कांस्टेबल से लेके जो इंस्पेक्टर तक हैं, और डीएसपी रैंकर्स जिनको हम कहते हैं, और नूरी वो हैं जो एएसपी आते हैं डायरेक्ट, और वो अलहदा ही क्लास है। उनकी प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो निचले रैंक्स की प्रॉब्लम है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक ही जुम्बेश कलम से ट्रांसफ़र कर दिया गया जी लाहौर वाला भावलपुर चला जाए। अब उसके घर वाले क्या करेंगे, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो कैसे लेके जाएगा, वहाँ जाके वो कहाँ रहेगा, किसी को नहीं पता। यही हाल, फिर खुदकशियाँ आप देखें ना कि 3-4-5 खुदकशियाँ हो गई हैं विद इन ये एक महीने के अंदर अंदर हो गई हैं, और तमाम के तमाम पुलिस में थे, सारे पुलिस वाले थे जी। इसमें एक पुलिस वाले ने, बल्कि अब्बास लाइंस में पिछले दिनों एक पुलिस वाले ने इसी तरह उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे,
और उसने गन उठाई और ऊपर चढ़ गया वो टावर के और उसने कहा जी मैं मार देना है मैंने खुद को, छुट्टी दे दे या मैं मार दूंगा, साहब मार दूंगा। उसे को सजा मिली, छुट्टी गुजार के आया था, मेडिकल उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो क्लर्क माफिया की मैं बात कर रहा हूँ ना, नीचे एक्चुअली पुलिस के अंदर एक और स्टेट है ना जी, वो है क्लर्क, ठीक है, जो जो सारा कुछ डील कर रहे होते हैं, तो वो पैसों की खातिर अपने जो मुलाजमीन हैं छोटे वो काम नहीं करते उनका, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन सर उन्होंने अपने कमरे के ड्रेसिंग रूम में शीशे के ऊपर लिखा कि माँ मेरी बच्चियों की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना जो जिम्मेदारियों को समझता हो या अच्छे तरीके से निभा सके, तो क्या लॉजिक थी ये अल्फाज कहने की, क्या ज़रूरत पेश आई? देखें वही एक वजह जो हमने डिस्कस की कि जी डिपार्टमेंट का प्रेशर, उसके काम का प्रेशर, छुट्टी नहीं मिल रही, तफ्तीशें बेतहाशा हैं, अखराजात का प्रॉब्लम है, और तनख्वाह देखें ना वो कितनी, 50-60 हज़ार उसकी तनख्वाह होगी, इससे ज़्यादा 50-60 हज़ार से नहीं हो सकती मेरे ख्याल जो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट है। अगर वो लाहौर आती है अपने खर्चे पे या वो भावलपुर बस में बैठ के आ रही है बेचारी, देखे ना वो जिना की तफ्तीश वो कर रही है ट्रांसजेंडर्स और सारे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जो अल्फाज हैं वो फिर उस दिलावर के लिए हैं। हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना जी, हमारे माशरे का ये है कि जी शादी हो गई तो औरत घर की हो जानी चाहिए और जिम्मेवारी उसको पालना सारी मर्द की है बेशक, लेकिन यहाँ वो भी उसके साथ थी। अब दिलावर ये कहता था कि जी आप नौकरी छोड़ दें और आप आ जाएं मेरे पास, वो कहती थी अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं कल तू मुझे छोड़ दे फिर क्या होगा। सर 2014 में शादी हुई और 2022 8 साल का दुरानिया है, तो अभी भी ये उनको परेशानियां थी कि ये छोड़ ना दें कहीं कोई शक कि ऐसा मामला। ये जो होती हैं मुलाजम पेशा ख्वातीन, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि उनका कोई जाती को तनाज़ा चल रहा था घर में? या नहीं, उनका सिर्फ तनाज़ा बच्चियाँ थी और वो यही था कि जी आप लाहौर आ जाओ, अगर वेडलॉक पॉलिसी के तहत वो लाहौर आ जाती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी उनकी मदद नहीं की। मैं पहले भी मैं कह रहा था जो आर्मी में ये है, उनका एक अलहदा एक शुबा है जो नफसियाती तौर पे अपने जवानों का अपने अफसरान का ख्याल रखते हैं कि अगर मैं परेशान बैठा हूँ तो वो 10 दफ़ा पूछेंगे कि आप परेशान क्यों हो और फिर उस परेशानी का सलूशन निकालते हैं। पुलिस में ऐसा नहीं, पुलिस में ऐसा कोई नहीं है, पुलिस में ना मेडिकल है ना कोई इस टाइप की चीज़ है। फिर आप देखें कि पुलिस में 99% लोग नफसियाती मरीज हैं और उनका देखें ना ये सारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा फिर आवाम पे निकलता है और आवाम कहती है कि पुलिस वाले ठीक नहीं है, कहती है ठीक नहीं है। अब ये मेन वजह ये है कि अगर आप पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे कर दें, आप तनख्वाहें उनकी मुनासिब कर दें, तो क्यों किसी को गाली देंगे? आपने उनकी ट्रेनिंग में गाली डाल दी, आपने उनको बता दिया कि आपने लेने ही पैसे हैं, तो फिर पैसे क्यों नहीं लेंगे? आपने भेड़िए बना दिए ना जी, खूंखार भेड़िए हैं जिन्होंने भंबोड़ना है आवाम को और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन फिर उन पर निकालनी है। तो यही कुछ मामलात मैरी के साथ चल रहे थे जिसमें मैरी का यही था ना कि जी मैरी का तो खैर तफ्तीशें और ये अलहदा चीज़ें, अपने टॉपिक पे आ गए हम, लेकिन मैरी का जो मेन वजह था कि फौरी वजह बनी उसको छुट्टी ना मिलना, ठीक है। अब उसमें भी मेरी डीपीओ साहब से बात हुई, डीपीओ रहमियार खान से, उन्होंने कहा जी वो मेरे पेश नहीं हुई क्योंकि शुरू में मैंने भी लिखा कि जी वो अदर रूम में पेश हुई और उसको छुट्टी नहीं मिली, लेकिन छुट्टी की एप्लीकेशन उसने 8 महीने की दी हुई थी। फिर वही क्लर्क माफिया है जिसने वो दरख्वास्त पुट नहीं की, डीपीओ साहब तक पहुंची ही नहीं, या पहुंची नहीं, या फिर उस दिन वो गई पुलिस लाइन में, उसने वर्दियां ली अपनी, तो अगर वो वहां गई थी, अगर वो पेश हो जाती तो शायद डीपीओ साहब उसे छुट्टी दे देते। लेकिन फिर वही होता है जी कि नफरी कमी है, मुलाजमीन कम है, अब कौन सी खातून को, क्योंकि अब प्रेशर है, एक पॉलिसी बनाई गई कि जी तफ्तीश जो है खवातीन के मामले जो तफ्तीश होगी वो लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी, ठीक है। अब लेडी पुलिस ऑफिसर और नहीं है तो फिर जहर है, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर 3-4-5-6 जिस तरह कमी है ना जी, ख्वातीन की बहुत ज़्यादा कमी है पुलिस डिपार्टमेंट में, और इसलिए कि ख्वातीन नहीं आती पुलिस में, अगर पुलिस के भी यही वजूहत हैं और फिर उनसे बुरा सलूक होता है, अगर ख्वातीन आ जाएं, लड़कियां नौजवान आएं पुलिस में, पढ़े लिखे लोग आएं, तो मेरे ख्याल ये कमी दूर होगी, तो फिर हादसा नहीं होंगे। क्या हम किसी एक लफ्ज़ में मैरी की खुदकुशी की वजह को बयान कर सकते हैं कि ये वजह बनी है?
मैरी की खुदकशी की वजह उसके हालात ही बने जिसको जिसको वो समझ नहीं पाई। जैसे मैंने पहले कहा कि जी खुदकशी बुजदिल करते हैं, मैरी अच्छी लड़की थी, अच्छी पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन शायद बुजदिल थी, हालात के आगे उसने हार मान ली। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम बातें सुनी अज़ीज़ुल्लाह खान साहब की ज़ुबानी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।